तो दोस्तों आज आए हैं हम देहरादून में टपकेश्वर महादेव के मंदिर में। तो आप सामने देख सकते हैं, यह टपकेश्वर महादेव का मंदिर और बहुत ही भव्य नदी किनारे स्थापित ये मंदिर। सामने भगवान हनुमान जी की आप प्रतिमा देख सकते हैं और ये इसका मेन गेट है और यहाँ से आपको आना होगा। तो ये रहा गेट, प्रमुख द्वार, यहाँ से एंट्री होगी, फिर अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद पहले आपको पैर धोने नीचे जाना है। चलो ठीक है, काम तो नीचे देख सकते हैं आप, मस्त नदी और लोग नदी का आनंद लेते हुए। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे गुच्चू पानी घूमने के लिए, शिव जी की प्रतिमा, और ये रही लिफ्ट व्यवस्था भी है लोगों के लिए, जो बेचारे ऊपर से नीचे बुज़ुर्ग आदमी जो नहीं आ पाते उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। बोल क्या कह रहे हो, जोर से बोला। नहीं बोला, बोला क्या बोलूं, क्या बोल रहे थे? आपकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है, दूर से लोग आपको पहचान जा रहे हैं। क्या करें यार, तो ये रहे टपकेश्वर महादेव जी की गुफा। अभी अंदर चलेंगे तो मंदिर काफ़ी भव्य है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं दर्शन करके, अंदर अलाउड नहीं होता, फ़ोटो खींचना तो हमने दिखाया नहीं, सॉरी, लेकिन आप ज़रूर आइएगा, देहरादून में बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही फेमस। चलते हैं। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करते हुए अब हम आ चुके हैं नीचे। मंदिर के नीचे एक नदी बहती है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही शांत नदी। इसको पार करके आप नीचे सामने जो हनुमान जी का मंदिर है, माँ वैष्णो देवी गुफा योग टपकेश्वर महादेव, वहाँ जा सकते हैं। इसको पार करना है आपको। सो है गाइस, हमारा हो गया प्लान चेंज, अब हम जा रहे हैं ऊपर के रास्ते, क्योंकि अरे गलती से कपड़े भीग जाते तो फिर दिक्कत हो जाती। क्यों, अब हम यहाँ से होके यहाँ जाएंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये जो नदी है इसको तमस नदी कहा जाता है। इसका जो पौराणिक नाम है वो तमसा नदी था, जिसको बाद में तमस नदी कर दिया गया है। इस ये जो स्थान है, कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कि ये जो थे पांडव और कौरवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका निवास स्थान था यहाँ, और यही वह जगह है जहाँ उनके बेटे अश्वत्थामा का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि अश्वत्थामा जो थे, उनकी जो माता थी वो अपना दूध उन्हें नहीं पिला पा रही थी, जिस कारण भगवान गुरुद्रोणाचार्य ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे विनती की कि यहाँ एक ऐसा स्थान बना दिया जाए कि ऊपर से दुग्ध टाइप के जो होते हैं इसमें टपकते रहें। तो आप देख सकते हैं इस तरह के, आप देखोगे जो लटकन है मंदिर के अंदर, मैं आपको दिखा नहीं पाया लेकिन वहाँ वर्जित है फोटोग्राफी करना, यहाँ भी वर्जित है, सॉरी। तो वहाँ से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं शिवलिंग के ऊपर, जिस कारण इस जगह का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा है, भगवान शिव के नाम पे टपकेश्वर महादेव। तो ये कुछ पौराणिक कथा है इस जगह की, प्रचलित कथा। अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों माँ वैष्णो देवी जी के गुफा से गुजरते हुए अब हम आए हैं फिर से उसी जगह में, और सामने आपको टॉन्स नदी कहते हैं इसको, टॉन्स नदी। अब हम इससे एक मंदिर ऊपर है तो वहाँ जाते हैं, उसके बाद देखते हैं वहाँ क्या है, फिर आपको बताता हूँ। सो है गाइस, अब पहुँच चुके हैं हम, ले रही है चप्पल किराए पे। कैसा लगा तब, विदाउट कैश? विदाउट कैश ले रहे हैं ऐश। तो दोस्तों यार पार्किंग में था नहीं कुछ, सर ऑनलाइन लेने दे दें, तो मैंने गाड़ी ऐसी पार कर दी किसी के घर के पीछे। अरे ऐसा हुआ, अब दुकान से ले लिया है, दुकान से ले लिया है हमने चप्पल, अब कैश भी ले लिए, किराए पे चप्पल मिल रही 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये लेगा। तो चलो चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। दिस इज़ अ गेट ऑफ गुच्चू पानी। तो ये है दोस्तों गुच्चू पानी का गेट, और यहाँ से लेंगे हम टिकट। तो दोस्तों टिकट तो ले ली है, 35 रुपये की पड़ी है एक बंदे को, और ओनली कैश है। तो दोस्तों
अंदर घुस चुके हैं मैं और प्रतीक, और नीचे नदी बह रही है। ऐसी नदी देखने के लिए आना था तो हमारे गांव में भी है, क्यों और क्या। ये उनके लिए ठीक है जो बाहर शहरों से आते हैं, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। देखते हैं क्या है भैया, कुछ है अगर अलग तो हम बताएंगे आपको, हाँ भाई ये अलग है। वरना तो ये तो है यार हमारे इधर, इससे तगड़ी तगड़ी गहरी गहरी नदी है जहाँ हम नहा भी सकते हैं। तो गंदा पानी है यार इसमें पूरा, ऊपर लोग नहा रहे हैं साबुन सबुन लेके। चलो चलते हैं आगे की ओर। तो ये रहा कुछ यहाँ झूले झाले हैं बच्चों के लिए, जंपिंग जंपिंग वाले, कुछ खाने पीने के लिए आपको दिखा, कुछ खाना पीना है आपने तो आप खा सकते हैं। और हमारे मित्र भी यहीं आ रखे हैं ना दोस्तों, यहाँ गन्ने का जूस भी है और एक गुड़िया के बाल वाला घूम रहा है, और धीरे धीरे हमारे को चलते हैं। ये रहा दोस्तों जिसके लिए लोग तड़पते हैं मरते हैं बेचारा, लोगों का प्री वेडिंग शूट हो रहा है। तो दोस्तों हमने तो एंट्री कर ली है नदी में, और देखते हैं अंदर जाके क्या क्या होता है, लोग जा रहे हैं वैसे। यहाँ चल रहा है प्री वेडिंग शूट, और अंदर चलते हैं कैसे क्या क्या होता है। दोस्तों पत्थरों के अंदर से पानी आता हुआ आप देख सकते हैं, उल्लू दिख रहे हैं दोस्तों, उल्लू दिख रहे हैं आपको। चुके हैं और काफी मजा आ रहा है ना। मजा तो कुछ नहीं आ रहा यार, बस ये दोनों साइड से पहाड़ गिरे उड़े हैं और इनसे पानी आ रहा है, और हमने उल्लू भी देख लिया, और हमने अंडर वाटर भी टेस्ट कर लिया हुआ पानी, सॉरी फोन टेस्ट कर लिया हमने अंडर वाटर पानी टेस्ट कर लिया। आगे दिखाते हैं आपको। तो देखो ये है, यहाँ कुछ नहीं है फालतू में, लोग यहाँ आते हैं, यहीं पे एंड है, और कुछ ऊपर जा रखे हैं और यहीं पे एंड है। यहाँ पे हम थोड़ा फोटो शूट लेते हैं। तो ये रहा आपका गुच्छू पानी,